हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनवायरमेंटल स्टडीज एंड क्लास फर्स्ट। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली, सो लेट्स कंटिन्यू योर स्टूडेंट्स। एज वी नो डियर स्टूडेंट्स, इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर 6 एंड ऑल्सो एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 6 एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 7 Which name is Home and its kinds। बच्चों इसका नेम है होम एंड इट्स काइंड, यानी घर और इसके प्रकार। तो आज घर और उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ऑल ऑफ अस लिव इन हाउसेस, यानी हम सब, ऑल ऑफ अस मीन्स हम सब, लिव मीन्स रहते हैं, इन हाउसेस घरों में। द हाउस इन विच वी लिव, यानी द हाउस घर इन भी जिसमें वी लिव हम रहते हैं विद आवर फैमिली अपने परिवार के साथ इज कॉल्ड होम, एक घर कहलाता है। ठीक है, तो जो हम सब घरों में रहते हैं और घर जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं, होम कहते हैं। लिविंग टुगेदर गाइड्स अस टू लव एंड अनदर। तो बच्चों लिविंग टुगेदर एक साथ रहना गाइडस यानी हमें गाइड करता है टू लव वन अनदर, एक दूसरे को प्यार करने में। ठीक है बच्चों, एक साथ रहना हमें एक दूसरे को प्रेम करने का क्या करता है, एक दूसरे को प्रेम करने को प्रेरित करता है। इट ऑल्सो टीचेस अस, इट माने यह ऑल्सो मीन्स भी, टीचेस मीन्स सिखाता, यानी यह भी सिखाता है टू शेयर आवर वर्क्स एंड थिंग्स इन आवर होम, यानी अपना कार्य शेयर करना और अपनी चीजों को शेयर करना अपने घर में। तो बच्चों ये सब भी हमें सिखाता है। देर आर डिफरेंट रूम्स इन आवर होम, बच्चों देर आर डिफरेंट रूम्स इन आवर होम, हमारे घरों में अलग अलग कमरे हैं, ईच एंड एवरी रूम हैज ए पर्टिकुलर यूज। बच्चों प्रत्येक का एंड एवरी रूम, यानी प्रत्येक एंड एवरी रूम और प्रत्येक कमरा हैज ए पर्टिकुलर यूज, यानी उसका एक निश्चित प्रयोग है। जैसे ड्यूरिंग रूम, ड्राइंग रूम, तो बच्चों ड्राइंग रूम क्या होता है, जैसे वी सिट एंटरटेन एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। बच्चों वी सिट, वी माने हम, सिट मीन्स बैठते हैं, एंटरटेन एंड टॉक टू आवर गेस्ट, क्या करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, एंड टॉक टू आवर गेस्ट और अपने मेहमानों से बात करने के लिए इन द ड्राइंग रूम, कहाँ पर, ड्राइंग रूम में। तो बच्चों ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर बैठते हैं और अपने मेहमानों से बात करते हैं, ठीक है ना, और इंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग रूम, और बच्चों यह लिविंग रूम भी कहलाता है। वी लिसन टू म्यूजिक और वॉच टेलीविजन इन आवर ड्राइंग रूम। तो जो वी लिसन, हम सुनते हैं, टू म्यूजिक और वॉच टेलीविजन इन आवर ड्राइंग रूम। तो जो हम अपने ड्राइंग रूम में म्यूजिक सुनते हैं, टीवी देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे वी रीड एंड डू आवर होमवर्क इन स्टडी रूम। बच्चों वी रीड, हम पढ़ते हैं, एंड डू आवर होमवर्क और अपना कार्य करते हैं इन द स्टडी रूम में। तो जो हम पढ़ते हैं और स्टडी रूम में अपना कार्य करते हैं। वी कुक आवर फूड इन द किचन, बी माने हम, कुक मीन्स बनाते हैं, आवर फूड अपना खाना, इन द किचन यानी किचन में हम अपना खाना बनाते हैं। वी ईट आवर मील्स इन द डाइनिंग रूम, हम डाइनिंग रूम में अपना भोजन करते हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं, आगे है बच्चों वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन आवर बेडरूम। बच्चों हम सोते हैं एंड टेक रेस्ट और आराम करते हैं इन आवर बेडरूम, अपने बेडरूम में। वी टेक बाथ इन आवर बाथरूम, हम अपने बाथरूम में नहाते हैं। वी शुड कीप आवर थिंग्स एट देयर राइट प्लेस, बी माने हमें, शुड मीन चाहिए कि, मीन्स रखनी, आवर थिंग्स अपनी चीजों को एट देयर राइट प्लेस, उनके सही स्थान पर। तो हमें रखनी चाहिए अपनी चीजों को, यानी हमें अपनी वस्तुएं उनके उचित स्थान पर रखनी चाहिए। वी शुड कीप आवर बुक्स
ऑन सेल्वेस एंड क्लोज इन कपबोर्ड। तो बच्चों हमें अपनी किताबों को अलमारी में रखना चाहिए और अपने कपड़ों को कपबोर्ड में रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर होम नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर साफ और सुथरा रखना चाहिए। अब बच्चों है काइंड्स ऑफ हाउसेस, घरों के प्रकार। हाउसेस कैन बी ऑफ टू काइंड्स, यानी घर दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस, यानी कच्चा और पक्का हाउस। तो बच्चों कच्चा हाउस क्या है, कच्चा हाउस देखेंगे। एक कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मैनी थिंग्स, एक कच्चा हाउस बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉ, वुड, मड, बम्बू एंड ड्राई लीव्स। सोचो स्ट्रॉ मीन्स घास फूस, वुड लकड़ी, मड मिट्टी, बम्बू बांस एंड ड्राई लीव्स और सूखी पत्तियों से। तो कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। बच्चों जो कच्चा हाउस है आर मोस्टली मुख्य रूप से फाउंड पाया जाता है विलेजेस। तो बच्चों कच्चा हाउस मुख्य रूप से गांव में पाया जाता है। पक्का हाउस, तो बच्चों पक्का हाउस, तो बच्चों कच्चे हाउस आप देख रहे होंगे कि गांव में क्या होता है कि कच्चे घर मिल जाते हैं देखने के लिए, जो मिट्टी से घास फूस से बने हुए होते हैं, ठीक है, आपने देखे भी होंगे। लेकिन जब हम शहरों में जाते हैं तो वहां पर कच्चा हाउस नहीं मिलता हमको, हमें वहां पर पक्के हाउस मिलते हैं जो सीमेंट से मिलकर बने होते हैं। पक्का हाउस सुन लेते हैं क्या बच्चों, पक्का हाउस। तो बच्चों पक्का हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन एंड सिटीज। तो बच्चों पक्के घर मुख्य रूप से कस्बों और शहरों में पाए जाते हैं। दीज आर मेड ऑफ मैनी थिंग्स, ये विभिन्न प्रकारों से बनते हैं, ये विभिन्न चीजों से मिलकर बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सच एज ब्रिक्स, जैसे कि ईंटें, सीमेंट, आयरन और कंक्रीट एंड वुड। तो बच्चे किससे मिलकर बनते हैं, ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से, कंक्रीट से और लकड़ी से, ठीक है। तो इनका प्रयोग क्या करने के लिए होता है, पक्का हाउस बनाने के लिए होता है। उसके बाद है बच्चों मडोना लिव्स इन ए पक्का हाउस। मडोना एक पक्के घर में रहती है। इट इज ए बंगलो, बच्चों ये एक बंगला है। ये बंगलो जनरली हैज बिग गार्डन इन इट्स फ्लोर। तो बच्चों बंगलो में क्या होता है, एक बंगले में सामान्य रूप से एक बड़ा गार्डन होता है इसके फ्रंट पर, इसके सामने, ठीक है ना। आगे देखो तो बच्चों आप देख सकते हैं ये बंगलो है, तो बंगलो के सामने क्या है, इसके फ्रंट में एक बड़ा सा गार्डन है, ठीक है ना, इसके बिल्कुल सामने, घर के सामने बड़ा सा गार्डन है। उसके बाद है मल्टी स्टोर्ड हाउस। तो बच्चे ये मल्टी स्टोर्ड हाउस हैं, जैसे ये फ्लैट हैं, ये फ्लैट हैं। अब बच्चों हाउसेज एट हॉट प्लेसेज आर बिल्ट विद फ्लैट रूफ। तो बच्चों जो हाउसेस हैं एट हॉट प्लेसेज, यानी गर्म स्थानों पर, आर बिल्ट विद फ्लैट रूफ। तो बच्चों वह उनकी जो छत होती है वह फ्लैट होती है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं फ्लैट रूफ, ये फ्लैट रूफ वाला घर है, ठीक है ना, यानी इसकी छत है वो फ्लैट है। तो गर्म स्थानों पर इस तरह के घर पाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों स्पोलिंग स्लोपिंग रूम, ठीक है, स्लोपिंग रूफ क्या होती है, यानी इसकी ढालदार छत होती है, जैसे आप देख सकते हैं इसकी ढालदार छत है। इसके बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेस विथ रेनफॉल एंड हैवी रेन्स हैव हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ, दिस हेल्प स्नो एंड रेनफॉल वाटर टू स्लाइड डाउन द रूफ। तो बच्चों ये कह रहा है कि प्लेसेस घर विथ स्नोफॉल एंड हैवी रेन्स, यानी जो स्नोफॉल होता है बच्चों, स्नोफॉल मीन्स बर्फबारी होना, एंड हैवी रेन और अधिक वर्षा होना, हैव हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ, यानी जहां बच्चों ऐसे स्थान जहां पर स्नोफॉल होता है, यानी बर्फ गिरती है, बर्फबारी होती है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो इस तरह के घरों की जो छत होती है वह ढालदार होती है। दिस हेल्प स्नो एंड रेन वाटर टू साइड डाउन द रूफ, जो यह सहायता करती है बर्फ को और बारिश के पानी को नीचे इसकाने में, यानी यह नीचे गिरा देती है, इसको नीचे साइड से लगा देती है, गिरा देती है छत। ए गुड हाउस, बच्चे एक गुड हाउस क्या है, एक अच्छा घर क्या है, ए नीट एंड क्लीन हाउस इज कॉल्ड गुड हाउस, यानी एक नीट एंड क्लीन साफ और सुथरा हाउस घर इज कॉल्ड गुड हाउस, एक अच्छा
घर कहलाता है। तो एक साफ सुथरा घर एक अच्छा घर कहलाता, एक गुड हाउस है, एक अच्छे घर में होते हैं, यानी सेवरल डोर्स एंड विंडोज, यानी वहाँ पर क्या होते हैं, डोर्स होते हैं, डोर्स मीन दरवाजे, विंडोज, खिड़कियाँ, दैट अलाउ एंड ट्राई एंटरिंग सनलाइट एंड फ्रेश एयर। तो बच्चों जिससे क्या आती है, जिससे सूर्य का प्रकाश आता है और ताजा हवा आती है। तो बच्चों एक अच्छे घर में क्या होने चाहिए, दरवाजे और खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे सूर्य का प्रकाश और ताजा हवा आती है। लोट ऑफ प्लांट्स यानी लॉट्स ऑफ प्लांट्स, यानी अधिक से अधिक पौधे होने चाहिए घर के आसपास। डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट, दोस्तों कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन होने चाहिए, कूड़ादान होने चाहिए। बच्चों आज हमने इस लेसन का मेन स्टडी किया है, लेसन नंबर 7 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से लेसन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।